लो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करने के लिए आया हूँ, कूलाम के नियम का सदिश रूप, जिसको मैंने एक छोटे से फॉर्मूले के द्वारा आपको क्लेरिफाई किया था। आज उसे हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे, थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। अब इसकी पोजीशन समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, एक्स-वाई सिस्टम। तो यदि मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति R1 है और मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति R2 है, तब हम जानते हैं कूलाम के नियम से कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? तो ये फोर्स लगाएगा F21, और उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पर लगाएगा, जिसे हम बोलेंगे F12। यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, तो उनकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब हम देखें कि Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति क्या है, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति क्या है, तो वो होगी R21। ठीक है, उसी तरह से Q2 की स्थिति जो होगी वो होगी R12। लेकिन हमें किसी भी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बारे में डिफाइन करना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, या तो हम अगर Q1 को लेंगे तो R21 हमारी डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, पोजिशन वेक्टर की तरह। तो इन दोनों के बीच की दूरी नॉर्मली हम R लेते हैं, लेकिन पोजिशन वेक्टर की वजह से R21 ली जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो सदिश रूप हो जाएगा F12, यानी कि दो के कारण एक पर लगने वाला बल कितना होगा, होगा 1/4πε0K Q1 Q2 R2। इसको हम R21 भी ले सकते हैं, R21² R21 कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये दिशा को शो करेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट R21 वेक्टर नहीं ले सकते, इसलिए हम उसको जो इसकी डायरेक्शन होगी उसको शो करने के लिए सहारा लेंगे R21 कैब वेक्टर का। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका परिमाण होता है 1। ठीक है, और इसमें केवल दिशा होती है। ठीक, तो आगे अगर हम इसको और देखना चाहें, हम जानते हैं कि जो R21 वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, वो आपका आता है R21 कैप अपॉन R21 वेक्टर का मोड। ये R21 वेक्टर कैप जो है वो आपका होता है R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड, या इसको हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करने जाएंगे तो जाएगा R12 = 1/4πε0K Q1 Q2 upon R21 Q into R21 vector। ये हमारा कूलाम का सदिश रूप हो जाता है। तो ये R21 और R2 इस पोजीशन वेक्टर की वजह से आए हैं, जो कि मूल बिंदु के सापेक्ष R1 और R2 दोनों चार्ज Q1 और Q2 की स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, इसी के साथ एक और सिद्धांत होता है,